वेलकम, यह स्लीपवेल फाउंडेशन की स्पेशल सीरीज बीइंग स्मार्ट फॉर आर यंगस्टर्स। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बच्चों से, यंगस्टर्स से जुड़े हुए होते हैं। आज बात होगी गुड एंड बैड टच की और हम कहेंगे कम लेट्स बी सेफ। तो हर बच्चा सेफ रहे उसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे को ये समझ में आए कि उसको जिस तरह से छुआ जा रहा है वो एक गुड टच है या बैड टच। तो पहले हम इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। एक गुड टच क्या होता है? कोई हमें प्यार से गले लगाए या हमारे कंधे पर हाथ रखे या हमारा हाथ पकड़ ले कभी जब हमें जरूरत हो, इट्स अ गुड टच। एक ऐसा टच, एक ऐसा छूने का तरीका जिससे अगर हमें कोई छूता है तो हमें बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है। हम अगर उदास हो तो हम कंफर्ट फील करते हैं, आराम फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैड टच वो होता है जो एक बच्चे को असहज कर दे, अनकंफर्टेबल फील कराए, उसको अच्छा ना लगे, वो छूने वाले से दूर हटना चाहे। बैड टच एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर किया जा सकता है या फिर नॉर्मल बॉडी पार्ट्स पर भी, लेकिन इस तरह से कि वो उस बच्चे को अच्छा ना लगे। मसलन जैसा मैंने कहा कि कोई अगर आपको आराम पहुंचाने के लिए आपका हाथ पकड़ता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी हाथ को अगर थोड़ा गलत ढंग से पकड़ा जाए, किसी गलत नियत से उसको पकड़ा जाए, उसी टच से वो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और उसी हाथ को जब अच्छे से छुआ जा रहा था, प्यार से छुआ जा रहा था, तो वो गुड टच था, वहीं गंदे ढंग से छूना या रब करना वो बैड टच हो जाता है। तो चलिए बच्चों ये समझ लेते हैं कि वो कौन से आपके बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर किसी को भी छूने की आपको अनुमति नहीं देनी है। जब आप छोटे होते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट्स को आपके पेरेंट्स हाथ लगाते हैं, आपको नहलाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वहीं पर हमें कोई छुए तो हमें अच्छा नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति को आपको अपने होठों पर, चेस्ट पर, आपके हिप्स पर, आपके पैरों के बीच की जगह पर या आपके थाइस पर, ऐसी जगह पर हाथ लगाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके नॉर्मल बॉडी पार्ट्स पर भी गलत ढंग से आपको किसी को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो आपको छुए। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि कौन सा टच गुड टच है जो आपको अच्छा फील कराए, कंफर्टेबल फील कराए, और कौन सा वो टच है जो बैड टच है जो आपको अनकंफर्टेबल करे या आपको गिल्ट और शेम और एम्बैरेसमेंट की फीलिंग दे, तो अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको गलत ढंग से छू रहा है, बैड टच हो रहा है आपके साथ, तो उसको आपको कैसे रोकना है, उससे कैसे बचना है। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी अगले वीडियो में।